दोस्तों यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपकी जो इम्पोर्टेंट फोटोज़ वीडियो डिलीट हो जाती हैं आप उनको विदाउट किसी प्ले स्टोर के ऐप के आप रिकवर कैसे कर सकते हैं। क्या होता है गाइस, बहुत बार हमारी भाई कुछ इम्पोर्टेंट फोटोज़ एंड इम्पोर्टेंट वीडियो डिलीट हो जाती है। अब भाई हमें पता चले कि डिलीट हुए, एक साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो भाई कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये नामुमकिन है, अगर 10 साल हो गया है तो हम किसी भी डिलीट फोटो वीडियो को रिकवर नहीं कर सकते। बट गाइस अभी के टाइम में ये पॉसिबल है एंड मैंने आपको पहले ही बताया भाई ना आपको किसी प्ले स्टोर के ऐप की हेल्प लेनी है, क्योंकि भाई ये वाला फीचर अब आपका मोबाइल ही आपको प्रोवाइड कराता है, जिसका नाम होता है गूगल फोटोज़। एंड गाइस आप गूगल फोटोज़ की मदद से किसी इतने टाइम पुरानी किसी भी फोटो को, किसी भी वीडियो को बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हो, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है जिनका आपको पता नहीं रहता, उसी की वजह से भाई आप अपनी फोटो को रिकवर नहीं कर पाते। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ आप किसी भी फोटो को रिकवर कैसे कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को रिकवर कैसे कर सकते हैं, टाइम कितना ही हो गया हो, 1 साल, 10 साल, 20 साल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी गूगल फोटो को ओपन करना है, देन इसमें अगर आप पासवर्ड फिंगर लगाते हैं तो आपको पुट कर देना है। देन आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा, आपकी गैलरी की सारी फोटोज़ यहाँ पर शो होगी। देन आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर जाना है प्रोफाइल के आइकन पर, जहाँ पर गाइस मेरे में ऐप लिखा है, तो देन मैंने इस पर क्लिक किया एंड आपके सामने इस टाइप से ऑप्शन आएगा। देन आपको थोड़ी नीचे स्वाइप अप करना है एंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा फोटो सेटिंग। देन आपको फोटो सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर जहाँ लिखा है बैकअप ऑफ, तो देन आपको बैकअप पर क्लिक करना है एंड इसका बैकअप आपको ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे सो आपके मोबाइल में जितनी सारी जीमेल आईडी होगी वो सारी यहाँ पर शो होगी। देन आपको कोई भी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जो आपकी पर्सनल जीमेल आईडी है, जिसका आईडी पासवर्ड आपको सब कुछ याद है। देन मैंने यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देख सकते हैं इस फेक पटेल वाली जीमेल आईडी पर भाई हमें 14 GB की स्टोरेज मिलती है, मतलब भाई कितनी सारी आप 50,000, 60,000, 70,000 फोटो तक इस पर अपलोड कर सकती हो, वीडियो अपलोड कर सकती हो। एंड आपको क्या होगा, यहाँ पर भाई आपको मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपनी स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं कि भाई आप कितनी MB तक पर डे अपनी फ़ोटो को अपलोड करना चाहते हो। देन अभी यहाँ पर हमें रहने देते हैं एंड हम आते हैं बैक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप्स एंड इस वाले ऑप्शन पर जाकर आपके में ऑफ होगा। देन आपको क्या करना है, आपको टर्न ऑफ है अभी तो मैंने उसको ऑन कर दिया। देन ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब इससे गाइस क्या होगा कि भाई आपकी इस जीमेल आईडी पर जितना भी डाटा आप सेट करोगे 100 MB, 200 MB, 500 MB, उतने का हर दिन भाई आपकी गैलरी की सारी फ़ोटो इस जीमेल आईडी ऐप पर अपलोड होती जाएंगी। अब भाई जब आपकी फ़ोटो जीमेल आईडी पर डल जाती हैं तो आप भाई किसी भी मोबाइल से, अगर आपका मोबाइल खो गया है, आपका मोबाइल भाई ख़राब हो गया है, आपका मोबाइल किसी भी स्थिति में अगर नहीं है, तो भाई आप दूसरे मोबाइल से भी जीमेल आईडी के जरिए अपनी फ़ोटो को रिकवर कर सकते हो एंड जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस मैं सारी फ़ोटो पहले से अपलोड करके रखता हूँ गूगल फोटोज़ के अंदर। भाई मैंने आपको बताया आपको भी अपलोड करना है, इससे आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी, भाई आप लाइफ में कभी भी अपने बचपन की फ़ोटो तक देख सकते हो एंड बड़ी आसानी से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।